अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन सी अर्जन। बिफोर स्टार्ट ऑफ लेक्चर यू शुड नो अबाउट सी अर्जन एंड व्हाट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्चुअली सी अर्जन जो है ये फाइलम इकाइनोडर्मेटा से बिलोंग करता है और इकाइनोडर्मेटा के जो फाइलम है इट इज एक्सक्लूसिवली मैरीन। एक्सक्लूसिवली मरीन होने का मतलब ये होता है कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि मुकम्मल तौर पर मरीन इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है उसको हम एक्सक्लूसिव कहते हैं, और अगर मरीन है तो जाहिर है उसको हम एक्सक्लूसिवली मरीन कहेंगे। तो इकाइनोडर्म के जितने भी मेंबर्स हैं वो तमाम सिर्फ और सिर्फ मरीन इन्वायरमेंट में ही प्रेजेंट होते हैं। आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि सी अर्चन क्योंकि वाटर में है और जितने भी ऑर्गेनिज्म वाटर के अंदर होते हैं उनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि सी अर्चन में फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, कौन से रिसेप्टर्स हैं, कौन से प्रोटीन्स हैं जो कि इसको एक्टिवेट करती हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि फर्टिलाइजेशन जो है ये क्या है। फर्टिलाइजेशन इज एक्चुअली अ प्रोसेस जिसमें स्पर्म और एग, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों फ्यूज करते हैं और जाइगोट बनता है, इसको हम कहते हैं ये फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। अब हमने पहले पेज पे डिस्कस किया है कि सी अर्चन में जो फर्टिलाइजेशन है इट विल बी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो फर्टिलाइजेशन है इट ऑलवेज अकर इन वाटर, ठीक है। आउटसाइड द बॉडी अगर होगी तो उस फर्टिलाइजेशन को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? वो फर्टिलाइजेशन जो कि इनसाइड द बॉडी होगी वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी। लेकिन क्योंकि सी अर्चन वाटर में है तो उसमें हमेशा जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल ही होगी। अब अगर वाटर के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रही है तो कुछ चैलेंजेस हैं जो कि इस ऑर्गेनिज्म को फेस करना पड़ते हैं। एक तो ये कि इतना बड़ा बड़ा इनका इन्वायरमेंट होता है तो कैसे पता चलेगा दो जो स्मॉल गैमेट्स हैं वो कैसे फ्यूज करेंगे, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, ठीक है। और उसके बाद हाउ टू इंश्योर कि सिंगल स्पर्म ही एग को फर्टिलाइज करे, ठीक है। तो ये चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो सी अर्चन है उसमें फर्टिलाइजेशन होती है और वो गैमीट प्रोड्यूस करता है, नहीं ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। एक्चुअली जब भी फर्टिलाइजेशन होती है चाहे वो वाटर के अंदर है चाहे वो बॉडी के अंदर है, ठीक है, तो सबसे पहले जो स्पर्म है उनको अट्रैक्ट करने के लिए केमिकल्स का रिलीज किया जाता है, और जो केमिकल रिलीज करते हैं वो हमेशा एग रिलीज करता है। एग केमिकल को रिलीज करता है और वो केमिकल फिर स्पर्म्स को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। वो अट्रैक्ट करेंगे तो फिर ही स्पर्म एग को जाके फर्टिलाइज करता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ये कीमोटेक्सिस है, मतलब द मूवमेंट ड्यू टू केमिकल्स, ठीक है। अब एग केमिकल को रिलीज करेगा जिसकी वजह से जो स्पर्म हैं वो क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे और एग को फर्टिलाइज करेंगे। सी अर्चन के केस में डिफरेंट केमिकल्स हैं जो के एग रिलीज करता है। जो पहला केमिकल है वो है रीसेक्ट। एक्चुअली जो रीसेक्ट है ये एक अमीनो एसिड पेप्टाइड है और इसमें अमीनो एसिड 14 तक अमीनो एसिड होते हैं इसके अंदर। अब ये जो केमिकल है ये केमिकल एग रिलीज करता है और ये ऑब्जर्व भी किया गया, साइंटिस्ट ने इसको लेबोरेटरी के अंदर भी एक्सपेरिमेंट किया है कि क्या वाकई ही ये केमिकल रिलीज होता है, और क्या ये केमिकल अगर रिलीज होता भी है तो स्पर्म को अट्रैक्ट भी करता है या नहीं। तो इस केमिकल को एग की जेली से आइसोलेट किया गया, फिर इसको लेबोरेटरी के अंदर माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया गया कि जब इस केमिकल को रिलीज करवाया जाता है तो जो स्पर्म है वो अपनी रैपिड मूवमेंट को शो करते हैं, ठीक है। अब इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि जो हमारे पास रीसेक्ट केमिकल है यानी कि जो अमीनो एसिड पेप्टाइड है जिसको हमने रीसेक्ट कहा है, अब ये एक स्पर्म एक्टिवेटिंग पेप्टाइड का काम कर रहा है, ठीक है। जो स्पर्म एक्टिवेटिंग पेप्टाइड है ये ड्रामेटिक
और इमीडिएट रिस्पॉन्सेस कॉज करता है माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन में और स्पर्म की मोबिलिटी में। ठीक है, ये जो RGC है ये एक्चुअली रिसेप्टर्स हैं। GCD सेक्ट को जो इसका दूसरा नेम है वो गुआनोसाइल साइक्लेज है, तो इसको हम गुआनोसाइल साइक्लेज भी कह सकते हैं। तो एग जो है वो इस केमिकल को रिलीज करवाएगा। रिसेप्ट केमिकल विल बी रिलीज फ्रॉम द एग और उसके रिसेप्टर कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? स्पर्म के पास। जाहिर है स्पर्म ने ही एग को फर्टिलाइज करना है, तो उसके रिसेप्टर स्पर्म के पास होंगे और केमिकल कौन रिलीज करेगा? एग। ठीक है, अब जब भी जो RGC हैं जब ये रिसेप्टर रिसेप्ट के साथ बाइंड करते हैं तो GTP को CGMP में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट का लेवल इंक्रीज होगा कैल्शियम आयन का इन्फ्लेक्स होगा। ठीक है, जब कैल्शियम आयन अंदर की तरफ मूव करेंगे तो इट विल हेल्प टू मूवमेंट ऑफ द स्पर्म। एक तो स्पर्म की अट्रैक्शन में हेल्प करते हैं और दूसरा स्पर्म की जो फ्लेजेलर मूवमेंट है, मतलब फ्लेजेला की हेल्प से उसने मूव करना है, तो वो फ्लेजेला को बहुत ज्यादा क्विकली मूव करवाता है। ठीक है, अट्रैक्ट भी करता है और मूवमेंट में भी हेल्प कर रहा होता है। अब जो दूसरा केमिकल है इट इज स्पेरेक्ट। जो स्पेरेक्ट है ये भी एक केमिकल है विच इज रिलीज बाय द एग। अब जो स्पेरेक्ट है ये एक्चुअली स्ट्रोगाइलो सेंटोरेटस परपोरेटस ये केमिकल है। ठीक है, स्टोरेंगो सेंटोरेटस परपोरेटस ये एक्चुअली भी कीमो अट्रैक्टेंट के तौर पे काम करता है। एक्चुअली इसमें होता क्या है, जो स्पीरेक्ट केमिकल है ये एग रिलीज करता है, इसके रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? स्पर्म के पास। अब ये केमिकल अपने रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है और एक्टिवेट करता है, यानी कि स्टिमुलेट करता है GC को और इंक्रीज कर देता है CGMP को। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है GTP को जब ये रिसेप्टर्स बाइंड करेंगे केमिकल्स के साथ, जब ये क्या है, ये हमारे पास है केमिकल्स, ये हैं उसके रिसेप्टर्स, जब ये इसके साथ बाइंड करेंगे तो ये GTP को CGMP में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे ही CGMP का लेवल इंक्रीज होगा पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएगा। जब पोटेशियम चैनल ओपन होगा इट विल कॉज हाइपर पोलराइजेशन। ठीक है, हाइपर पोलराइजेशन स्पर्म की मेम्ब्रेन में कॉज करेगा। जब हाइपर पोलराइजेशन होगी तो सोडियम आयन जो है और जो हाइड्रोजन एक्सचेंजर हैं वो बहुत ज्यादा क्या करेंगे, मूव करेंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। सोडियम और हाइड्रोजन जो है वो एक्टिवेट होंगे, सोडियम अंदर की तरफ मूव करेगा और जो हाइड्रोजन है वो बाहर की तरफ मूव करेगा, जिसकी वजह से pH इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ही pH इंक्रीज होगी एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेट हो जाता है। जब एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेट होगा तो ये CAMP को एक्टिवेट करता है। CAMP का लेवल जब इंक्रीज होगा तो ये कैल्शियम चैनल्स को ओपन कर देता है। ठीक है, जब कैल्शियम चैनल्स ओपन होंगे तो हाइपर पोलराइजेशन होगी और CAMP स्टिमुलेट करेगा एक और चैनल को जिसका नाम है SPIH चैनल, और इसकी वजह से जो स्पर्म है वो अट्रैक्ट होगा और दूसरा उसकी जो मूवमेंट है वो रैपिड होती है। तो इस तरीके से जो एग है वो डिफरेंट केमिकल्स को रिलीज करता है, उसके बाद जो स्पर्म है वो एक तो अट्रैक्ट होता है, दूसरा उसकी मूवमेंट को भी वो फास्ट करता है। ठीक है, अब जो स्पर्म है वो अट्रैक्ट हो चुका है, अब जब स्पर्म अट्रैक्ट होगा तो उसने अब फ्यूज करना है। लेकिन फ्यूज होने से पहले जो स्पर्म है, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो स्पर्म है उसके तीन रीजन्स होते हैं, एक उसका है एक्रोसोम रीजन, दूसरा उसका है मिड पीस और तीसरा उसका होता है टेल। अब अगर उसने फ्यूज करना है तो उसने हेड से फ्यूज करना होता है। ठीक है, और हेड वाला जो रीजन होता है वो होता है एक्रोसोम। तो एक्रोसोम जो है इसको डिसॉल्व करना पड़ेगा ताकि ये जो इसका न्यूक्लियस है वो एग में जाके फ्यूज कर सके। तो इसकी सबसे पहले क्या होगी, फ्यूजन होगी एक्रोसोम रीजन की। ठीक है, अब एक्रोसोम रीजन की फ्यूजन कैसे होगी कि जो एग है वो एक केमिकल को रिलीज करता है और उस केमिकल का नाम है फ्यूकोज केमिकल, और उस फ्यूकोज केमिकल के अंदर एक्चुअली क्या होता है, पॉलीसेकेराइड्स होती हैं। ठीक है, अब ये जो पॉलीसेकेराइड्स हैं ये स्पर्म के साथ जाके बाइंड करती हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होता है। जब जैसे ही कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होगा वो
जो कैल्शियम का लेवल है वो एक्रोसोम को डिजोल्व कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक्रोसोम जो है ये डिजोल्व होना है, यहाँ पे ये एक्रोसोम बिल्कुल प्रेजेंट थी। ठीक है, उसके बाद एग ने फ्यूकोस को रिलीज करना शुरू कर दिया। फ्यूकोस जैसे ही रिलीज होगी वो स्पर्म के साथ जाके बाइंड करेगी, और बाइंड करने के बाद कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करेगी और ये डिजोल्व करना शुरू कर देगी। और एट द एंड यहाँ पे एक्रोसोम बिल्कुल डिजोल्व हो चुकी है। अब एक्रोसोम डिजोल्व हो गई है, अब क्या होगा, अब स्पर्म ने एग के साथ फ्यूज करना। तो इसको फ्यूज करने के लिए स्पर्म एक केमिकल को रिलीज करता है, एक प्रोटीन को रिलीज करता है, और उस प्रोटीन का नाम है बिंडिन प्रोटीन। ठीक है, अब इसके रिसेप्टर एग के पास है, पहले एग रिलीज कर रहा था उसके रिसेप्टर स्पर्म के पास थे, अब जो स्पर्म है उसने बिंडिन प्रोटीन को जो है वो रिलीज किया है, इसके रिसेप्टर एग के पास है। अब वही स्पर्म बाइंड करेगा एग के साथ, जो कि ये केमिकल है, अगर एग के पास इसके रिसेप्टर्स हैं तो ये स्पर्म बाइंड कर सकता है, अगर इसके एग के पास इसके रिसेप्टर्स नहीं है तो ये बाइंड नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसके रिसेप्टर्स एग के पास अगर होंगे, जैसे कि ZP1, ZP2, ZP3, ये सारे के सारे रिसेप्टर्स हैं, ये रिसेप्टर हैं तो ये बाइंड करेगा, तो बाइंड करेगा तो ये इसके साथ जाके फ्यूज हो जाएगा। अब अगर एक ही स्पर्म एक ही एग के साथ फ्यूज कर रहा है तो इट विल बी मोनोस्पर्मी, जो कि एक राइट मेथड है फर्टिलाइजेशन का, और जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती, और जो न्यू ऑफस्प्रिंग है वो जेनेटिकली मतलब बिल्कुल सेम वैसे ही होता है जैसे कि पेरेंट। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि पॉलीस्पर्मी भी हो सकती है। पॉलीस्पर्मी का मतलब क्या होता है कि जब एक से ज्यादा स्पर्म एग के साथ फ्यूज कर जाते हैं तो इसको हम कहते हैं ये पॉलीस्पर्मी है। अब एग जो सी अर्चन है उसमें अगर पॉलीस्पर्मी होगी तो उसमें एक्चुअली होता क्या है कि अगर पॉलीस्पर्मी होगी तो जो सेल है वो या तो एबनॉर्मल होता है या फिर सेल की डेथ हो जाती है। एक्चुअली वैसे तो एक ही स्पर्म को एग के साथ फ्यूज करना चाहिए था, यहाँ पे दो जो स्पर्म है वो फ्यूज कर रहे हैं, एक स्पर्म ये है और दूसरा स्पर्म ये है हमारे पास एग। ठीक है, अब तीन न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे तो ये ट्रिप्लाइड बना देंगे। अब एक के पास 18 क्रोमोसोम है, ठीक है, एक के पास 18 क्रोमोसोम है, तीन के पास, तीनों फ्यूज करेंगे तो 54 बन जाएंगे। ठीक है, अब देखो एक फ्यूज करता है तो दो सेल्स बनते हैं, जब दो जो है वो फ्यूज करेंगे तो चार सेल्स बन जाएंगे। अब 54 क्रोमोसोम्स हैं और 54 क्रोमोसोम से चार सेल बन रहे हैं, और चारों के चारों सेल्स के पास अनइक्वल क्रोमोसोम का नंबर है। अब ये जो अनइक्वल नंबर है, जो सेल प्रोड्यूस होगा वो कभी भी वाइबल नहीं होता। ठीक है, उसकी एम्ब्रियो में ही उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, अब डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके जरिए हम पॉलीस्पर्मी को अवॉइड कर सकते हैं। जो फर्स्ट मेथड है वो है फास्ट रिएक्शन, और जो सेकेंड मेथड है वो है स्लो रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन जो है ये एक्चुअली इलेक्ट्रिक चेंज की वजह से होता है। डियर स्टूडेंट, जो सी अर्चन है वो क्योंकि मेरीन इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, और आपको पता है कि मेरीन इन्वायरमेंट अगर है तो वहाँ पे साल्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। ठीक है, अब साल्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज है तो इसका मतलब है कि सोडियम की कंसंट्रेशन आउटसाइड द इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा है और इनसाइड द इन्वायरमेंट कम है। अब अंदर की तरफ जो है वो नेगेटिविटी है और बाहर की तरफ पॉजिटिविटी है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोडियम आयन। ठीक है, अब क्या होगा कि जो बाहर की तरफ पॉजिटिविटी है और अंदर की तरफ नेगेटिविटी है, ये नेगेटिविटी माइनस मिली वोल्ट में चली गई, और ये है -70 मिली वोल्ट, ये अंदर का इन्वायरमेंट है। ठीक है, और ये है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये उस वक्त की कंडीशन है जब अभी स्पर्म एंटर नहीं हुआ। ठीक है, जैसे ही स्पर्म एंटर करेगा तो जो सोडियम है वो बाहर से अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, और जो -1 मिली वोल्ट है ये 20 मिली वोल्ट में चेंज हो जाएगा। जैसे ही ये चेंज आएगा, अब कोई दूसरा स्पर्म एंटर नहीं हो सकता, क्योंकि अगले स्पर्म को एंटर होने के लिए भी बाहर का इन्वायरमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन अब इन्वायरमेंट क्या हो चुका है, नेगेटिव, इसलिए जो दूसरा स्पर्म है वो एंटर नहीं हो सकता। तो ये मेथड है जिससे पॉलीस्पर्मी को अवॉइड किया जाता है। ठीक है, दूसरा जो मेथड है वो है कि कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो हैं वो भी पॉलीस्पर्मी को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। एक्चुअली जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं ये सी अर्चन की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके नीचे प्रेजेंट होते हैं, और तकरीबन 15,000 कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एक का जो डायमीटर है वो 1 माइक्रोमीटर होता है,
ठीक है। अब ये जो ग्रेन्यूल्स हैं ये डिफरेंट सेवरल प्रोटीन्स को रिलीज करता है, ठीक है। ये ग्रेन्यूल्स एक्टिवेट होते हैं और सेवरल प्रोटीन्स को एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से जो पॉलीस्पर्मी है उसको अवॉइड किया जाता है। पहली जो प्रोटीन है इट इज कॉर्टिकल ग्रेन्यूल सीरीन प्रोटीएज प्रोटीन, यानी कि सीजीएसपी प्रोटीन। ये जो सीजीएसपी प्रोटीन है ये इंजाइम्स को डिजोल्व कर देती है, ठीक है, और एज अ क्लिप के तौर पे एक्ट करती है और किसी भी स्पर्म को अटैच नहीं होने देती। दूसरी जो प्रोटीन है इट इज अ म्यूकोपोलीसेकेराइड। अब ये जो प्रोटीन है ये क्या काम करती है, ये जो वाइटलिन मेम्ब्रेन है एग की उसको एक्सपेंड कर देती है, मतलब ये कि ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के तौर पे एक्ट करती है। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट का मतलब होता है कि वाटर बहुत ज्यादा ये एंटर करवाएगी, और वाटर वाइटलिन मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान बहुत ज्यादा एंटर करवाएगी, जिसकी वजह से जो इसका वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा, और यही जो वॉल्यूम है जो इंक्रीज हुआ है और इसके अंदर वाटर की एंट्रेंस करवाई है, ये फर्टिलाइजेशन इन्वेलप के तौर पे काम करेगी, और फर्टिलाइजेशन इन्वेलप डेवलप हो जाएगा, जिसकी वजह से कोई भी फर्दर स्पर्म एंटर नहीं हो सकता। उसके बाद ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं ये कुछ ओवो पर ऑक्साइड्स को भी रिलीज करवाते हैं, ठीक है, या फिर ट्रांसग्लूटामाइज ग्लूटामिनेज इंजाइम को रिलीज करवाता है, जो कि फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन को हार्ड कर देता है, और ये हार्डनिंग कैसे होती है, क्रॉस लिंकिंग को ये बिल्ड करवा देता है, और एट द एंड जो ये रिलीज करवा देते हैं हायलिन को। और हायलिन क्या है, ये एक्चुअली एक कोटिंग है एग के अराउंड, ठीक है, जो कि उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है ब्लास्टोमियर को क्लीविज के दौरान। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके जरिए जो पॉलीस्पर्मी है उसको अवॉइड किया जाता है। अब चूंकि जो स्पर्म है वो एग के साथ फ्यूज हो चुके हैं, अब फ्यूज होने के बाद जो एग है उसको हमने एक्टिवेट करवाना है, ठीक है। तो जो अगला स्टेप है वो है एक्टिवेशन। जो एग की एक्टिवेशन है ये एक्चुअली एक सीरीज ऑफ मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल मॉलिक्यूलर चेंजेस हैं जो कि एग में होती हैं, और कब होंगी, जब उसके साथ स्पर्म फ्यूज कर जाता है। एक्चुअली पहले फर्टिलाइजेशन से पहले जब स्पर्म उसके साथ फ्यूज नहीं करता तो कोई भी चेंज नहीं आता। स्पर्म एक हार्मोन की तरह काम करता है जो कि एग मेम्ब्रेन के रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है और एक प्रोटीन के जरिए बाइंड करता है, और उस प्रोटीन का नाम है जी प्रोटीन। ये जो जी प्रोटीन है ये सार्क काइनेज इंजाइम को एक्टिवेट करती है। जो सार्क काइनेज इंजाइम है ये पीएलसी प्रोटीन को एक्टिवेट करती है, और पीएलसी प्रोटीन की एक्टिवेशन इनोसिटोल फास्फेट के जरिए होती है, जिसकी वजह से कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होता है, पीएच इंक्रीज होती है और एग की एक्टिवेशन होती है। अब स्टेप बाय स्टेप हम ये देखते हैं कि जो अर्ली रिस्पॉन्स है वो किस तरीके से एग को एक्टिवेट करता है, और जो लेट रिस्पॉन्स है वो एग को किस तरीके से एक्टिवेट करता है। एक्चुअली जो अर्ली रिस्पॉन्स है उसमें जो कैल्शियम का लेवल है वो इंक्रीज हो चुका है। अब जो कैल्शियम का लेवल जैसे ही इंक्रीज होगा ये एक इंजाइम को एक्टिवेट करेगा, और उस इंजाइम का नाम है NAD+ काइनेज इंजाइम। जो NAD+ काइनेज इंजाइम है ये NADP बनाएगा, और जो NADP है ये लिपिड के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और दूसरा ये सेल मेम्ब्रेन की कंस्ट्रक्शन के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके साथ साथ जो कैल्शियम है वो जैसे इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो उसका लेवल कम हो जाएगा। अब जो ऑक्सीजन है वो उसका लेवल क्यों कम हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक इंजाइम की सिंथेसिस हुई है NADPH की। अब ये जो NADPH है ये ग्लूटाथायोन और ओवोथायोल की रीजनरेशन करवाता है। अब जो ग्लूटाथायोन और ओवोथायोल है ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सेल के अंदर जो फ्री रेडिकल्स हैं उसको खत्म करता है। अगर फ्री रेडिकल्स होंगे तो जो एग का डीएनए है वो अर्ली एम्ब्रियो में ही डैमेज हो जाएगा, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते कि जो एम्ब्रियो है उसका डीएनए डैमेज हो, इसलिए जो कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हुआ है वो NADP डिपेंडेंट इंजाइम को एक्टिवेट करता है, जो ग्लूटाथायोन को इंक्रीज करवाता है, और ग्लूटाथायोन फ्री रेडिकल्स को खत्म कर देता है और डीएनए डैमेज होने से बचाता है। ये प्रोसेस था जिसमें अर्ली रिस्पॉन्स है, जिससे अर्ली रिस्पॉन्स में एग की एक्टिवेशन होती है। अब जो दूसरा रिस्पॉन्स है इट इज अ लेट रिस्पॉन्स। लेट रिस्पॉन्स में होता क्या है कि इसमें भी कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होता है, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया था कि कैल्शियम का लेवल
जो है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग एक्टिवेशन। एग की एक्टिवेशन के लिए कैल्शियम बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे ही कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होगा, पीएच इंक्रीज होगी, प्रोटीन और डीएनए की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद जो साइक्लिन बी है वो कंबाइन करेगा सीडीसी के साइक्लिन के साथ, और वो एक्टिवेट करेगा माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर को, यानी कि एमपीएफ फैक्टर को एक्टिवेट करेगा। और ये एक्टिवेटर जो है वो सेल डिवीजन के लिए इम्पॉर्टेंट है। सेल की एक्टिवेशन हो जाएगी और उसके बाद जो सेल है वो डिवाइड करना शुरू कर देता है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एग की एक्टिवेशन हो चुकी है, लेकिन अब जो जेनेटिक मटेरियल है, जो स्पर्म है और एग है, वो फ्यूज करना बाकी है। अब इसमें होता क्या है कि जो फीमेल प्रोन्यूक्लियस है और जो मेल प्रोन्यूक्लियस है वो फ्यूज करते हैं। फ्यूज करने के बाद जो पेरेंट है, जो फीमेल पेरेंट है, वो माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम को आगे ट्रांसमिट करती है, जबकि जो मेल है वो एक तो डीएनए को कंट्रीब्यूट करता है, दूसरा सेंट्रियोल को कंट्रीब्यूट करता है। अब जो सेंट्रियोल है वो क्यों जरूरी है, क्योंकि उन्होंने माइटोटिक स्पिंडल्स बनाने हैं। माइटोटिक स्पिंडल्स बनाने हैं, तो इस तरह से एक डेवलपिंग एम्ब्रियो में डीएनए भी चला गया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी चली गई है, माइटोटिक स्पिंडल्स भी बन गए हैं। इसके बाद जो न्यूक्लियस है वो पहले डिकंडेंस होता है, प्रो न्यूक्लियस बनाने के लिए उसकी फास्फोराइलेशन होती है, प्रोटीन का कोट बनता है और एक डेवलपिंग एम्ब्रियो बन जाता है। अब एक जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसमें फर्दर जो है वो क्लीविज का प्रोसेस होगा, और क्लीविज के प्रोसेस होने के बाद जो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।